हेलो दोस्तों, तो कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था जियो के 4G मोबाइल के बारे में, जिसका जो प्राइस आपको 4000 या फिर 4500 रुपए देखने को मिल रहा था। बट गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरटेल के 4G मोबाइल के बारे में, जो कि गाइज जिसका रेट होगा 2000 रुपए। अब गाइज, आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर से होगा कि जो ये कंपनी है इतने कम प्राइस में मोबाइल को क्यों लेके आ रही है, और गाइज इनसे इनका क्या बेनिफिट होगा, इनको क्या प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं एयरटेल के 4G मोबाइल के बारे में, कैसा हमें वो मोबाइल देखने को मिलेगा और कब तक हमें ये मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी बकवास के। और हाँ गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ये कंपनियां हैं इतने कम प्राइस में अपने मोबाइल को क्यों लेके आ रही है। अब गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, अपने इंडिया में 40 करोड़ यूजर्स अभी ऐसे हैं जिनके पास फ्यूचर मोबाइल है, कीपैड मोबाइल है। अब गाइस, उन मोबाइल्स को हम एंड्रॉइड मोबाइल में स्विच करा सकते हैं। अब वो काम है कंपनी के पास, जो एयरटेल है, आइडिया, वोडाफोन एंड एयरटेल, ठीक है, जियो, इनके पास है इसका काम। अब गाइस देखो, जो 40 करोड़ यूजर्स हैं, अगर वो स्विच करेंगे किसी एंड्रॉइड मोबाइल पर, लाइक का भी जियो का मोबाइल है तो उस पर स्विच करेंगे, तो उसमें फ़ायदा किसका होगा? कंपनी का होगा। हमारा कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। देखो गाइस, मैं आपको बात बताता हूँ, जो 40 करोड़ यूजर्स हैं स्विच करेंगे, स्विच करने के बाद उनको इंटरनेट की भी जरूरत होगी, और इंटरनेट में जो मोबाइल्स होते हैं ये इतनी कम प्राइस में जो देखने को मिलेंगे, ये लोग मोबाइल होंगे, इनमें आपको जियो की सिम ही देखने को मिलेगी अगर जियो का मोबाइल है। अगर एयरटेल की कंपनी का मोबाइल है तो उसके अंदर आपको एयरटेल की सिम मिलेगी। अब गाइस, वहां पर आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा एयरटेल के अंदर या फिर जियो के अंदर, तो उससे फायदा किसका होगा? हमारा कोई भी फायदा नहीं होने वाला, फायदा होगा कंपनी का, चाहे फिर वो जियो की बात कर रहे हैं हम, चाहे फिर बात करें हम एयरटेल की। अब गाइस, आपको ये पता लग गया होगा, अब यहाँ से इनका बिजनेस है काफी हाई लेवल तक जा सकता है, क्योंकि 40 करोड़ यूजर्स में से भी आधे लोग भी स्विच कर जाते हैं किसी एंड्रॉइड मोबाइल पर, लाइक जियो पर या फिर एयरटेल पर। और हाँ गाइस, मेरे को एक न्यूज से और पता लगा है कि जो वी कंपनी है, वोडाफोन आइडिया, ये भी एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं, बहुत जल्दी अपना 4G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। गाइस देखते हैं क्या होता है। बाय द वे, हम बात करने वाले हैं एयरटेल के 4G मोबाइल के बारे में। अब देखो, जो 40 करोड़ यूजर्स हैं उनसे इनका बिजनेस इंक्रीज होगा, तो सिंपल सी बात है, इसलिए जो कंपनियां हैं स्विच कराना चाहती हैं अपने फ्यूचर्स मोबाइल्स को 4G एंड्रॉइड मोबाइल्स में, ताकि लोगों को वो मोबाइल मिल जाए, लोगों तक हमारा मोबाइल पहुंच जाए और हम अपना बिजनेस बढ़ा सके। अब जो एयरटेल है उसके पास करीब 250 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं बिल्कुल एक्टिव, तो उनमें से कुछ यूजर्स 11% या फिर 12% ऐसे यूजर्स हैं जिनके पास 2G इंटरनेट है। अब गाइस, उनके पास अगर ये 4G स्मार्टफोन चला जाएगा तो उनके पास 4G इंटरनेट भी हो जाएगा, ठीक है, और उसके साथ उनको 4G एंड्रॉइड मोबाइल भी मिल जाएगा। एक तरफ तो वो खुश हो जाएंगे, बट दूसरी तरफ उनको ये नहीं पता कि जो कंपनी है अपना बेनिफिट, अपना प्रॉफिट कैसे देख रही है। तो गाइस, बस यही थी कुछ बातें जिनसे जो एयरटेल, जो जियो, इनमें भाग दौड़ मची हुई है कि अब 4000 रुपये में जियो का फ़ोन आने वाला है या फिर 2000 रुपये में एयरटेल का मोबाइल आने वाला है। अब गाइस, मैं बात करूं एयरटेल के जो मोबाइल है उसके स्पेसिफिकेशंस की, तो 2000 रुपये में स्पेसिफिकेशंस की हम बात ना करें तो ही ठीक होगा, क्योंकि ये एक तरह से आपको देखा जाएगा कि हाँ, स्क्रीन टच मोबाइल बंदे ने लिया हुआ है मोबाइल, क्योंकि कीपैड से अच्छा मोबाइल आपको देखने को मिलेगा 2000 रुपये में। बट इसके साथ गाइस, जो फीचर्स होंगे कुछ ऐसे आपको खास देखने को नहीं मिलेंगे, बस ये है जो 2G नेटवर्क वाले हैं वो 4G पर स्विच कर जाएंगे और कंपनी का फायदा हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो आपके क्या ओपिनियन है इससे रिलेटेड, नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर से बताना, मैं भी जानना चाहता हूं आप क्या सोचते हो। तो बस दोस्तों, मैं मिलूंगा इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ नॉलेज मिली है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।